हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भावना की रसोई। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल के पकौड़े। तो जिसके लिए मैंने मूंग दाल को रात में ही भिगो दिया था। करीब इसे 7 से 8 घंटे हमें भिगोना है। ये एक कटोरी मूंग दाल मैंने ली है, छिलके वाली मूंग दाल है। मैं इसका छिलका भी नहीं उतारूँगी क्योंकि मूंग दाल के छिलके में काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है और हमें पकौड़े ही बनाने हैं, तो हम इसे छिलके सहित ही पीस लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी जार में पीस सकते हैं। इसे हमें बारीक पीस लेना है। सिलबट्टे पे पीसने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अभी दाल हमारी पीस चुकी है, इसी तरीके से हमें पूरी दाल पीस लेनी है। मेरी मिक्सी ख़राब है इस समय, तो इसीलिए मैंने सिलबट्टे पे पीसा है, पर आप जब मिक्सी में पीसेंगे तो फटाफट पीस जाएगी। और अब हम इसी समय तुरंत हम चटनी भी पीस लेंगे, जिसके लिए मैंने हरी धनिया, हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ ली है, थोड़ा सा नमक लिया है। इसकी हम चटनी पीस लेंगे। आप चाहे तो इसमें टमाटर और अदरक भी डाल सकते हैं। ये हमारी चटनी रेडी हो गई है हरी धनिया की। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। दाल को हम थोड़ा सा चम्मच से फेंट लेंगे, करीब 5 मिनट। अब हम इसमें ये 4 आलू मैंने बॉईल लिए हैं, इसे हम इसमें कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहे तो हाथों की हेल्प से भी इसे फोड़ के डाल सकते हैं। मैंने ग्रेट कर लिया है जिससे कि थोड़ा सा बारीक हो जाए। अब हम इसमें सभी मसाले जो हमें पकौड़ी में डालने होते हैं, थोड़ी सी मैंने हींग का यूज़ किया है, स्वाद के अनुसार मैंने इसमें नमक डाल दिया है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा मैंने इसमें रेड चिली पाउडर डाल दिया है। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हमने अच्छे से फेंट लिया है और हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है, ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए। मैंने इसे मस्टर्ड ऑयल में ही बनाया है, आप रिफाइंड ऑयल में बनाना चाहें तो उसमें बना सकते हैं। तेल जब गर्म हो जाए तो हमें छोटी छोटी इनकी पकौड़ियाँ बना लेनी है। इस तरीके से हमें इसे ऑयल में डालते जाना है। बस हमेशा ये ध्यान रखें जब भी मूंग की दाल की पकौड़ियाँ बनाएं कि पकौड़ियाँ हमेशा क्रिस्पी होनी चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा कुरकुरी नहीं होगी तो आपको खाने में कोई फ्लेवर नहीं आएगा, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। और जब ये अच्छी गरम गरम कुरकुरी कुरकुरी निकलेंगी तभी आप इसे सर्व कर दीजिए, जिसे भी आपको देना है, जिसके लिए भी आपने बनाई है, तभी इसमें टेस्ट आएगा आपको और खाने में ये बहुत टेस्टी लगेंगी। और थोड़ी भी अगर ये सॉफ्ट हो रह जाती है निकालने के बाद, ये सॉफ्ट हो जाती हैं तो इनमें खाने में कोई भी बहुत अच्छा फ्लेवर नहीं आता है।
तो आप इसे गर्म ही गर्म और थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक सेक लीजिए अच्छे से। अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे डार्क ब्राउन होने तक। क्रिस्पी करने का मतलब ये नहीं कि हमें जला देना है, हमें जलाना भी नहीं है, लेकिन पकौड़े जैसे हम नॉर्मल पकौड़ियाँ बनाते हैं उससे हमें इसे थोड़ा सा क्रिस्पी करनी है। और हल्का ही आप मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई कीजिए। देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गई है जब, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और जो चटनी हमने पीसी थी हरी धनिया की, वो हरी धनिया की चटनी हम लेंगे। ये आप चाहे तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ पसंद करते हैं अगर आप तो चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी मूंग दाल भजिया बन के रेडी हो गई है, जो टेस्टी भी है और भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन भी है और हेल्दी भी है। तो इसलिए अब आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपने नहीं ट्राई की है। और अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर भी कीजिए। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।